स्थित नुक्कड़ ढाबे पर पिछले 45 दिनों से लगातार शिव परिवार मंडल पिंजौर शिवलोत्रिया मंदिर कमेटी और खेड़ा मंदिर कमेटी शिव कॉलोनी पिंजौर द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार प्रतिदिन 5000 से ज्यादा लोगों को भंडारा बांटा जा रहा था, जिसका समापन वीरवार को SDM कालका राकेश संधु के आदेश पर कर दिया गया। जानकारी देते हुए सेवादार एवं शिवालिक विकास मंच के पूर्व सदस्य हर्ष कुमार चड्डा ने बताया कि उक्त संस्थाओं के सहयोग से लगातार 45 दिनों तक प्रतिदिन 5000 से ज्यादा लोगों के लिए लंगर बनते इमाम देवा अशुपति महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते चंद्र महेशपति वशय जम चंद्राय नम स्वाहा अग्निमूर्धा देव प्रतिमाय पामरे ता घूम से भवाय नम स्वाहा बद बद ग्राम देवता भी नम स्वाहा ओम स्वाहा ओम वासुदेव देवता भी नम स्वाहा ओम पितृ देवता भी नम स्वाहा। याद रखना, युग कितने ही बदल जाए, मनुष्य की श्रद्धा आज भी प्रहलाद वाली, आज भी मीरा वाली श्रद्धा जरूर मिल जाएगी। परिस्थितियां बदल गई हैं। ये जो हमने श्रद्धा की आहुति यहाँ पर डाली है वो द्यूलोक में जा रही है और वहां जाकर के राजा सोम की उत्पत्ति होगी। इससे ये बहुत महान यज्ञ हुआ। वही सोम तत्व जब बादलों में आएगा, बादलों में आहुत होगा तो वर्षा की उत्पत्ति हो जाएगी। उसी वर्षा की आहुति धरती में पड़ जाएगी, धरती की अग्नि में वर्षा की आहुति पड़ेगी तो अन्न रूपी फल पैदा होगा। उस अन्न की आहुति मनुष्य के पेट में जलने वाली वैश्वानर अग्नि में जाएगी, उससे रज और वीर पैदा होगा। रज और वीर की आहुति होने से फिर से संतान का निर्माण होता है। ये यज्ञ कर्म जो है ये सबसे महान कर्म बताया है। इस यज्ञ से सृष्टि चलती है। नुक्कड़ ढाबे में जब भंडारा शुरू हुआ था तब हवन यज्ञ करके किया गया था। भंडारे के समापन पर भी हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ भंडारा संपन्न किया गया। भंडारे के अंतिम दिवस पर प्रबंधकों द्वारा लड्डू, खीर, हलवा, कड़ी, चने, पूरी का लंगर बनाया गया। हर्ष चड्डा ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि हवन पूजन के दौरान यहाँ एक भयंकर सांप भी दिखाई दिया, जो कि पिछले सोमवार से वहाँ अक्सर आ रहा है और आस्था का प्रतीक मानकर जिसको संस्था के सदस्यों ने भी शुभ माना है। आज हमने ये जो COVID-19 के अंदर जब से 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था तो 23 को हमने ये भंडारा शुरू किया था। तब हमें प्रशासन ने इस भंडारे को शुरू करने के लिए कहा था, मगर कल हमें SDM साहब के आदेश मिले कि अब भंडारा बंद कर दो, क्योंकि अब लॉकडाउन कुछ खोल चुका है और प्रवासी लोग वापस जा रहे हैं और ये दिहाड़ी भी मतलब काम भी कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए आज हमने अपने भंडारे का समापन किया है, जो कि हमने यहाँ हवन और यज्ञ करवाया है और डॉक्टर अमृता दीदी जी ने अभी आहुति डाली है इसमें और मैडम लतिका शर्मा जी ने भी आहुति डाली है, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। और हम अपनी सभी संस्थाओं का, भाईचारे का, जिन्होंने भी हमें इस भंडारे में सहयोग दिया, हम सब का धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से श्री शिवलोतिया मंदिर कमेटी का, श्री जय शैव परिवार मंडल का और श्री सनातन धर्म खेड़ा मंदिर शिव कॉलोनी बिटना पिंजौर का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ पहले दिन से पूरा सहयोग दिया। जय श्री राम। ये अब पिछले सोमवार को 42-43वां दिन था हमारा, तो यहाँ पिछले सोमवार से हमें नाग देवता जी दर्शन दे रहे हैं, आपने भी देखा है। मेरा तो ये मानना है कि ये भगवान शिव हमें पूरा आशीर्वाद देके गए हैं और मैं तो यही मानूंगा कि ये भगवान शिव का हमें आशीर्वाद मिला है। हर हर महादेव। आज इसका 45वां दिन था और SDM के ऑर्डर से ये आज समाप्ति की परमिशन थी, तो आज हमने आज पूर्णमासी का दिन था और यहाँ पे हवन किया और अमृता दीदी जी और लतिका शर्मा जी आए, जिनका बहुत बड़ा सहयोग था यहाँ पे नुक्कड़ ढाबे में, और भी बहुत सारे सज्जनों का सहयोग रहा, तभी ये पॉसिबल हो पाया कि 45 दिन तक लगातार सुबह से 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लंगर चलता रहा। ये शिवलोतिया संगठन है, एक शिवखेड़ा मंदिर शिवलोतिया इधर से है और खेड़ा मंदिर से है, बाकी सब लोगों का सहयोग रहा, चाहे कोई भी हो, गली से, इधर से, जान पहचान से, दोस्तों का, सबका सहयोग। और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा कालका और पिंजौर जो है, वैसे तो आपदा की स्थिति में हमेशा सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपना जी जान से मदद करते हैं सबकी, ये सबसे बड़ी एक श्रेष्ठता है इस विधानसभा की।
तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जब भी कोई मुसीबत या कुछ आए तो सब लोग इकट्ठा होकर इसका सामना करें। बहुत नमस्कार। हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कोरोना जैसी वैश्विक जो कि पूरे बहुत और प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भारत को इससे बचाने का काम किया और जो लॉकडाउन किया वो हमारे लिए वरदान साबित हुए। तो आज हम भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी जिन्होंने पूरी सरकार और प्रशासन को इस सेवा के लिए लगाया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारी कालका विधानसभा जो माँ कालका के नाम से है और माँ कालका की हमारे ऊपर छत्र छाया है, तभी हमारा कोई ऐसा केस नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ही हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ का हर नागरिक इसके लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है और सरकार और प्रशासन की सेवा कर रहा है, सहायता कर रहा है। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर विराटनगर आश्रम से स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा से पवन कुमारी, पूर्व पंच फतेह सिंह, पूर्व पार्षद निर्मला शर्मा, संजीव कौशल, सुनील धीमान, राजकुमार शर्मा, किशोरी करण जोशी, सोनू जेके शर्मा, पिंका राजेंद्र, नराता राम आदि भी मौजूद रहे। हवन यज्ञ में कोरोना महामारी के नाश के लिए भी प्रार्थना की गयी। छोड़ दो सारे।